दीपोत्सव पर आतिशबाजी के लिए नवग्रह मेला मैदान पर पटाखा बाजार सज गया है। करीब 90 दुकानें 10 दिनों के लिए लगाई गई है। आतिशबाजी के धनतेरस पर बाजार में जमकर खरीदारी हुई। हालांकि पटाखों पर भी महंगाई का असर साफ दिख रहा है। व्यापारी तुलसीराम गंगवानी ने बताया कि थोक खरीदी दामों में 40% की बढ़ोतरी होने से पटाखा महंगा बिक रहा है, जिसका ग्राहकी पर असर पड़ रहा है। लोग कम दाम के पटाखों में रुचि ले रहे हैं। ज्यादातर रॉकेट, चक्री, अनार जैसे पटाखे खरीदे जा रहे हैं। बड़े और महंगे पटाखों की बिक्री में कमी आई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 90 दुकान लग चुकी है और 40% तो भाव बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी उत्साह के हिसाब से लोग पटाखे खरीद रहे हैं। कुछ बदलाव भी आया पटाखों में? नई तरह क्या है? नया एक स्ट्रिक पटाखा आया है, फायर वाला, बच्चा हाथ में पकड़ के रखता है, ऊपर अनार जलता है। क्या इस बार कैसा क्या व्यवसाय रहा? व्यवसाय तो कमजोर है, बाकी अब उठाव आ रहा है धीरे से। कौन कौन से पटाखे हैं आप? हमारे यहाँ बच्चों के सब तरह के पटाखे हैं, हाथ रस्सी, चक्री, स्टिक अनार, रिंग वाले अनार। कौन से चल रहे हैं ज्यादातर? वो बच्चे वो भी पसंद कर रहे हैं, धागा की जो तो फटाका फूटता है। क्या नाम लिखते आप? तुलसीराम। दुकान कम से कम इस बार कम ही लगी है, क्योंकि महंगे हो गए पटाखे बहुत ज्यादा। पहले क्या टैक्स कम लगता था, इस बार 18% GST लग रहा है, जो टैक्स कम होना चाहिए, क्योंकि त्योहार है ये अपना, उसमें GST ज्यादा के कारण जो 40 रुपये का पटाखा है वो कम से कम 80-90 रुपये तक का बिक रहा है। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा GST कम करना चाहिए पटाखों पर। कौन कौन सी वेरायटी में व्यापार पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है, वेराइटियों पर असर पड़ रहा है, कंपनियां कम बनाती है। अभी कौन कौन सी वेरायटी में? अभी तो बहुत सारी वेरायटी है ऐसे फिलहाल, तो अपने पास अनिल के रस्सी बम वगैरह है, सुतली बम, रॉकेट, बड़े बड़े और भी है, कम से कम 70-80 वेरायटी है अपने पास। इस बार चाइना का पटाखा भी बेच रहे हैं? चाइना का पटाखा नहीं बेच रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं। चाइना पूरा उसको बायकॉट कर रहे हैं, चाइना को, अपने श्री राम नाम से है 30 नंबर दुकान। क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया वर्मा नाम है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।